हेलो गाइस, तो आज का करंट अफेयर है। पहला क्वेश्चन है, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र महिला समर्थक आयोग से बाहर हुआ? तो ये ईरान हुआ है। हाल ही में हुए सम्मेलन के बाद ईरान देश संयुक्त राष्ट्र महिला समर्थक आयोग से बाहर हुआ है। इस आयोग में भारत सहित कुल 45 देश हैं और इस आयोग का मकसद है कि लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है, सैटेलाइट स्पेक्ट्रम नीलामी करने वाला पहला देश कौन सा बना? तो ये बना है भारत। नेक्स्ट है, भारत ने अग्नि-5 मिसाइल का रात्रि परीक्षण कहाँ पूरा किया है? तो उड़ीसा में, उड़ीसा के अब्दुल कलाम द्वीप पर अग्नि-5 मिसाइल का परीक्षण किया है और अग्नि-5 मिसाइल की रेंज होगी 5000 किलोमीटर। नेक्स्ट है, किस एम्स को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है? तो एम्स दिल्ली को। अब यदि कोई एम्स दिल्ली के परिसर में कोई धूम्रपान करते हुए या कोई तंबाकू का सेवन करते हुए पाया जाता है तो वो दंडनीय अपराध होगा और उसे 200 रुपए का जुर्माना होगा। नेक्स्ट है, लोकसभा ने किस राज्य के हाटी समुदाय को ST सूची में अनुसूचित जनजाति सूची में जोड़ने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है? तो ये हिमाचल प्रदेश की एक समुदाय है हाटी। तो अभी हाल ही में हुए संविधान संशोधन के बाद हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में जोड़ा गया है और ये हाटी समुदाय उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में मुख्यतः पाई जाती है। थैंक यू।